आखिर क्यों मुगल शासक खाते थे चांदी के वर्क वाले चावल? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। एक ऐसा शहर जहां घड़ी में कभी नहीं बजते हैं 12, लेकिन क्यों? और भारत के इस राज्य में लाठियों से एक दूसरे पर हमला करके मनाया जाता है अनोखा त्योहार। पृथ्वी के अलावा इस ग्रह पर भी होता है ज्वालामुखी विस्फोट। तस्वीरें देखकर हैरान रह जाएंगे आप। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में बहुत से लोग म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, जबकि कई लोग अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र बजाने में माहिर होते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा गिटार कौन सा है और उसकी कीमत क्या है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस कीमती गिटार को एडन ऑफ कोरोनेट के नाम से जाना जाता है। इस गिटार को 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड से बनाया गया है, जिसमें कुल 11,441 हीरे जड़े हुए हैं। एडन ऑफ कोरोनेट को हांगकांग के मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर आरोन शुम ने बनाया है, जिसे पूरी तरह से तैयार होने में 700 दिन का वक्त लगा था। इस कीमती गिटार को सबसे पहली बार साल 2015 में आबू धाबी के एक ज्वेलरी शॉप में प्रेजेंट किया गया था, जिसमें इसकी कीमत 16 करोड़ 45 लाख रुपए बताई गई थी। ये गिटार सिर्फ देखने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इसे बजाया भी जा सकता है और इससे सामान्य गिटार की तरह मधुर संगीत निकलता है। एडन ऑफ कोरोनेट देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, जिसे अलग अलग देशों में डिस्प्ले किया जाता है। फिलहाल इस गिटार को आबू धाबी में रखा गया है। फैक्ट नंबर 2, आज के आधुनिक युग में एक से बढ़कर एक शानदार चीजें देखने को मिलती हैं, जिन्हें बना पाना कभी नामुमकिन सा लगता था। क्या आपने कभी सोचा है कि उल्का पिंड का इस्तेमाल करके पर्स बनाया जा सकता है? नहीं ना, लेकिन फ्रेंच फैशन कंपनी ने इस काम को भी मुमकिन कर दिखाया है। कॉपर्नी नाम की कंपनी ने फॉल विंटर 2023 की कलेक्शन में उल्का पिंड से बना एक शानदार बैग पेश किया है, जो हूबहू उल्का पिंड की तरह दिखाई देता है। इस पर्स को मिनी मेटेरॉइड स्वाइप बैग नाम दिया गया है, जिसकी कीमत $42,000 यानी भारतीय करेंसी में लगभग 34,58,592 रुपीस है। इस कंपनी का दावा है कि उन्होंने इस तरह के बैग्स को 55,000 साल पहले धरती पर गिरे उल्का पिंड का इस्तेमाल करके बनाया है, जिसकी वजह से हर बैग का डिजाइन और लुक एक दूसरे से अलग है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उल्का पिंड से बने इस एक खाली बैग का वजन 2 किलोग्राम तक होता है, जबकि इसे दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे लोग ऑर्डर करके अपने घर मंगवा सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, वर्तमान समय में ज्यादातर महिलाएं लेगिंग्स पहनना पसंद करती हैं, जिन्हें कुर्ते, स्कर्ट और शॉर्ट ड्रेस के नीचे पहना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लेगिंग्स का आविष्कार कभी भी महिलाओं के लिए नहीं किया गया था, बल्कि इस वस्त्र को पुरुषों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। दरअसल मध्यकालीन युग में पुरुष घुड़सवारी करने के साथ साथ सैन्य अभियानों और युद्ध जैसी परिस्थितियों के बीच फंस जाते थे, जहां उन्हें ऐसे वस्त्र पहनने की जरूरत होती थी जो शरीर से चिपके रहें। पुरुषों के लिए लेगिंग्स का आविष्कार किया गया था, जो घुड़सवारी और युद्ध में काफी सहायक होती थी और पैंट और दूसरे वस्त्रों के मुकाबले इधर उधर नहीं उलझती थी। उस दौर में यूरोप से लेकर जापान, मिस्र और ग्रीस जैसे देशों में भी राज परिवारों से ताल्लुक रखने वाले लेगिंग्स पहनना पसंद करते थे और उसे अपनी शान के साथ जोड़कर देखते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ ही लेगिंग्स महिलाओं के बीच प्रचलित होने लगी थी, जिसके बाद महिलाओं ने लेगिंग्स पहनना शुरू कर दिया था और इस वजह से पुरुषों ने लेगिंग्स के फैशन को त्याग दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि महिलाएं और पुरुष एक जैसे कपड़े नहीं पहन सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जो अलग अलग तरह के रीति रिवाज और त्योहार मनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे त्योहार के बारे में सुना है, जिसमें आम लोग एक दूसरे के ऊपर लाठियों से हमला करते हैं? यकीनन जश्न मनाने के इस अनोखे तरीके के बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में हर साल बन्नी उत्सव के दौरान लाठी मार नजारा देखने को मिलता है। इस त्योहार को देवरगट्टू गांव में दशहरे से ठीक एक रात पहले मनाया जाता है, जिसमें जिले के 5 अलग अलग गांवों के लोग हिस्सा लेते हैं। इस त्योहार के दौरान गांव के देवता को अपने पाले में रखने की कोशिश की जाती है, जिसके लिए गांव वाले एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडे से हमला करते हैं और देवता को अपने गांव ले जाते हैं। कहा जाता है कि इस त्योहार के दौरान जिस गांव के पाले में देवता आते हैं, उस गांव में साल भर सुख और समृद्धि बनी रहती है। यही वजह है कि अपने गांव में देवता को लाने के लिए आम लोग लाठी डंडों से एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं।
हालांकि इस दौरान गांव और मंदिर में भारी सुरक्षा बल तैनात रहता है, जबकि आम लोगों की सुरक्षा के लिए जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं, ताकि त्योहार की आड़ में लोग आपसी दुश्मनी को अंजाम ना दे सके। फैक्ट नंबर 5, शक्ल पर 12 क्यों बजे हैं? आपने अक्सर कई लोगों के मुंह से ये मुहावरा सुना होगा, जिसका मतलब किसी का मूड खराब होना होता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि लोग 12 नंबर या घड़ी में 12 बजने से घबराने लगे, क्योंकि 12 बजे के बाद टाइम जोन बदल जाता है। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहां किसी भी घड़ी में कभी 12 नहीं बजते। दरअसल स्विट्जरलैंड में सोलोथर्न शहर के लोग 12 नंबर को बहुत ही अशुभ मानते हैं, जिसकी वजह से यहां घड़ियों में 12 बजते ही नहीं है। यहां इस्तेमाल होने वाली घड़ी में 11 के बाद सीधे 1 बजता है, जबकि आम लोग भी इसी टाइम टेबल के हिसाब से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के काम पूरे करते हैं। सोलोथर्न शहर के लोग 11 नंबर को काफी लकी मानते हैं, जिसकी वजह से यहां हर चीज 11 अंक से शुरू या खत्म होती है। आपको इस शहर में संग्रहालयों की संख्या 11 मिलेगी, जबकि यहां टावर और चर्च में घंटियों और खिड़कियों की संख्या भी 11 होती है। सोलोथर्न शहर के लोग एक दूसरे को गिफ्ट में ऐसी चीजें देते हैं जो 11 नंबर से संबंधित होती हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि 11 नंबर सुख समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक होता है, जिसकी वजह से यहाँ इस्तेमाल होने वाली घड़ियों में भी 11 नंबर के बाद टाइम जोन बदल जाता है और 12 नंबर को कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। फैक्ट नंबर 6, बच्चे से लेकर बड़ों तक हर किसी के चेहरे पर रविवार यानी संडे का नाम सुनते ही मुस्कान आ जाती है, क्योंकि इस दिन पूरे हफ्ते के बाद छुट्टी एंजॉय करने का एक अलग ही मजा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पूरे हफ्ते में रविवार के दिन ही छुट्टी क्यों दी जाती है, जबकि इसके लिए किसी दूसरे दिन का भी चुनाव किया जा सकता है। दरअसल संडे को हफ्ते के आखिरी दिन के रूप में मान्यता दी गई है, जिसकी वजह से साल 1986 से देश में आधिकारिक रूप से संडे का दिन कर्मचारियों के लिए विश्राम का दिन होता है। हालांकि भारत में आधिकारिक ऐलान से पहले ही कई कंपनियों में कर्मचारियों को संडे के दिन छुट्टी दी जाती थी, जिसके पीछे प्राचीन और धार्मिक मान्यताएं छिपी हुई हैं। माना जाता है कि संडे के दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है, जिसके लिए कई राज्यों में रविवार के दिन मंदिरों में विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। वहीं स्कूल और कॉलेजेस में संडे के दिन छुट्टी होने की असल वजह ब्रिटिश शासक थे, क्योंकि ब्रिटेन में हफ्ते के आखिरी दिन संडे को अवकाश होता था और यही नियम भारत में भी लागू किया गया था। आमतौर पर कर्मचारियों और स्कूली बच्चों को संडे के दिन छुट्टी देने का मतलब ये होता है कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से आराम कर लें, जबकि अपने निजी और घरेलू कार्यों को समय पर पूरा ना करें। हालांकि वर्तमान समय में कई देशों में अवकाश का दिन बदल गया है, जिसमें अरब देशों का नाम भी शामिल है। अरब देशों में वीकेंड शुक्रवार और शनिवार को होता है, ताकि शुक्रवार के दिन आम लोग जुम्मे की नमाज पढ़ सके। वहां के नागरिक शुक्रवार और शनिवार को वीकेंड की छुट्टी मनाते हैं, जबकि संडे के दिन दफ्तर में काम करते हैं। फैक्ट नंबर 7, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत में एक लंबे समय तक मुगल शासकों का राज रहा है, जिनके खान पान और शानो शौकत संबंधी किस्से काफी ज्यादा मशहूर हैं। इतना ही नहीं, मुगल शासकों की कई रानियां भी हुआ करती थीं, जिन्हें हर तरह का सुख देना राजा की जिम्मेदारी होती थी। मुगल शासक अपनी शारीरिक ताकत को बढ़ाने के लिए खास तरह का खाना खाते थे, जिसका जिक्र ट्रैवल्स ऑफ फ्रे सेबेस्टियन मेनरिक नाम की किताब में मिलता है। इस किताब की माने तो मुगल बादशाह को सेहतमंद रखने के लिए खास तरह का चावल परोसा जाता था, जिसमें चांदी का वर्क रहता था। बताया जाता है कि चांदी के वर्क वाला चावल आसानी से पच जाता था, जबकि इससे कामोत्तेजना को बढ़ाया जा सकता था। यही वजह थी कि शाही परिवार के हकीम राजा के लिए खास तरह का मेन्यू तैयार करते थे, जिससे उन्हें अपने हरम में रानियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। चांदी के वर्क वाले चावल को पकाने के लिए गंगा नदी और बारिश के छाने हुए पानी का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे खाने का स्वाद कई गुना तक बढ़ जाता था। इतना ही नहीं, राजा को खाना परोसने से पहले उसकी जांच की जाती थी, ताकि उसमें किसी तरह का जहर या विष ना हो। इसके बाद ही चांदी के वर्क वाला खाना राजा को परोसा जाता था, जो मुगल काल की प्रसिद्ध डिश हुआ करती थी। फैक्ट नंबर 8, धरती पर अक्सर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, जिसके जरिए पृथ्वी के अंदर गर्म लावा और विभिन्न गैसें बाहर निकलती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र पर भी ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, जिसकी जानकारी हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की तरफ से दी गई है। नासा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखी विस्फोट की कुछ तस्वीरें जारी की हैं, जिन्हें साल 1990 से 1992 के बीच मैगेलन अंतरिक्ष यान के जरिए क्लिक किया गया था। हाल ही में नासा के वैज्ञानिक इन पुरानी तस्वीरों पर स्टडी कर रहे थे,
तभी उन्हें पता चला कि उस वक्त शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि ये ब्रह्मांड शांत नहीं है और ना ही मृत है। यहाँ कई तरह के रोमांचक घटनाएं घटती रहती हैं, जिनके बारे में हम इंसानों को ना के बराबर पता है। शुक्र ग्रह की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रही हैं, जिसे लेकर वैज्ञानिक गहन अध्ययन कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।